हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पॉइंट ऑफ क्लासेस। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम आपके लिए कोई ना कोई मैटर लाते रहते हैं, तो आज आपके लिए 8th क्लास की, कल भी एक वीडियो लेके आए थे जिसके बीच में हमने बात की थी 3 लेसन्स तक की, और आज हमारा जो लेसन है वो है लेसन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। पूरी डिटेल में बात करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स विद बात करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको ना समझ आए तो आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। तो चलिए, आज का जो हमारा ये लेसन है इसको हम स्टार्ट करते हैं। आज के लेसन का नाम है भूमि संसाधन और कृषि। भूमि संसाधन का मतलब ये है, संसाधन का मतलब ये होता है कि ऐसी वस्तुएं जिनका उपयोग हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, संसाधन करते हैं, संसाधन कहते हैं। संसाधन का मतलब आपको समझ में आ गया, संसाधन क्या होता है, ऐसी वस्तुएं जिनका उपयोग हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। उसके बाद में आगे है कि भूमि। अब भूमि भी हमारी एक तरह से संसाधन के रूप में काम करती है। एक मिनट चेक कर लें, लाइव शो क्यों हुआ, हो गया। अब जो ये भूमि है ये भी हमारी एक संसाधन के रूप में काम करती है, और भूमि के ऊपर हम क्या करते हैं, कृषि करते हैं। और हमारी जो भारत की जो जनसंख्या है वो ज़्यादा किस पे निर्भर है, भूमि के ऊपर ही निर्भर है। कम से कम 70 से अबव जो प्रतिशत जनसंख्या है वो किस पे निर्भर है, भूमि के ऊपर निर्भर है। तो इसके बीच में बताया गया कि भूमि को बांटा गया है स्वामित्व के आधार पे। स्वामित्व का मतलब ये होता है अधिकार, ठीक है। स्वामित्व का मतलब क्या होता है, अधिकार। तो इसमें दो भागों में बांटा है, एक होता है निजी और एक होता है स्वामित्व। एक होता है निजी और एक होता है सामुदायिक। निजी का मतलब ये होता है कि खुद की, निजी का मतलब क्या होता है, खुद की, हमारा खुद का किसी जमीन पे हक होता है उसको हम क्या कहते हैं, निजी भूमि। सामुदायिक भूमि का मतलब क्या होता है, ऐसी भूमि जो कि किसी एक व्यक्ति की नहीं बल्कि उसके आसपास रहने वाले लोगों के समुदाय की होती है, सभी समुदाय का उस पर हक होता है सारी चीजें करने का, ठीक है। उसके बाद में हम देखते हैं कि जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या है, भूमि पर दबाव बढ़ता जा रहा है, क्योंकि भूमि संसाधन सीमित होते हैं और स्थान के अनुरूप भूमि की गुणवत्ता में अंतर होता है। अब आप अगर थार के मरुस्थल वाली साइड चले जाएंगे तो आपको वहाँ पे कैसी भूमि देखने को मिलेगी, ये आपको पता होना चाहिए। वहाँ पे पानी की भी उपलब्धता पूरी नहीं होती है, पानी भी बहुत कम मात्रा में मिलता है। और आपका अगर कोई कमेंट हो तो आप यहाँ पे लाइव चैट के अंदर मैसेज कर सकते हैं, आपका कमेंट मैं पढ़ता रहूंगा साथ के साथ ही। इसलिए भूमि उपयोग में अंतर मिलता है। आप पंजाब वाले एरिया में जाएंगे, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही नदियाँ हैं, तो वहाँ पे हर फसल का उत्पादन अच्छे ढंग से हो जाता है, उनको सारी की सारी चीज़ें प्रोवाइड हो जाती हैं जो भी फसल को उगने के लिए आवश्यक होती हैं, ठीक है। उसके बाद में बात की गई है भूमि उपयोग परिवर्तन। अब क्या होता है कि भूमि पर कई तरह की गतिविधियां होती हैं, जैसे व्यापारिक गतिविधियां होगी, आवास की गतिविधियां होगी, कृषि करने के गतिविधियां होगी। तो इससे क्या है, भूमि उपयोग में परिवर्तन आ रहा है। भूमि का उपयोग किस तरह से किया जा रहा है ये आप देख सकते हैं। जैसे थार के रेगिस्तान को अब चारागाह की तरह यूज किया जाता है, यहाँ पे किसान चरवा रहे हैं अपनी गायों को, भैंसों को, ठीक है। उसके अलावा एक तरफ आप देख सकते हैं कृषि वाला एरिया बना हुआ है जहाँ पे किसान कृषि करता है। इसमें भूमि संसाधन के बारे में बताया कि भूमि का उपयोग कैसे किया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद में बात की गई है भूमि संसाधन की उपयोगिता उस क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी पर निर्भर करती है। अब जो भी फसल होती है उसके लिए एक इम्पोर्टेंट मिट्टी का होना जरूरी होता है। अगर मिट्टी को सारे पोषक तत्व नहीं मिल पाएंगे तो क्या है, मिट्टी तो क्या है, जो फसल होती है उसका सही तरह से उत्पादन नहीं हो सकेगा। ये सबसे बड़ी चीज होती है कि अगर मिट्टी का निर्माण करना, मिट्टी जो है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है किसमें, फसल के उत्पादन में, ठीक है। फसल को उपजाऊ बनाने में मिट्टी का अहम पूर्ण योगदान रहता है। मिट्टी हुई, पानी हुआ, सूर्य से आने वाला जो प्रकाश होता है, रोशनी होती है, वो भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर कहलाती है। इसके अलावा जो जैव पदार्थ होते हैं भूमि के अंदर वो भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उसके बाद में बताया गया कि खनिज पदार्थों व ह्यूमस का सही मिश्रण मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। और उसके बाद में जैसे कि आप ये देख सकते हैं यहाँ पे मिट्टियों का वितरण किया गया, जो ये मरुस्थलीय इलाका है, ये वाला इलाका आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, ये सारा का सारा कौन सा है, रेतीला इलाका है, रेतीली मिट्टी यहाँ पर मिलती है।
ठीक है। और ये जो ऊपर आपको ये वाली लाइन दिखाई दे रही है, यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये आपका घग्गर का मैदानी क्षेत्र है, जहाँ पे आपको कौन सी मिट्टी दिखाई देगी, भूरी रेतीली कछारी मिट्टी दिखाई देगी, जो ये मैंने ऊपर वाली लाइन ड्रॉ की है, ये वाली देख सकते हैं आप। यहाँ पे डायग्राम भी बने हुए हैं कि कौन सी मिट्टी कौन सी है, ठीक है, तो आप ये भी देख सकते हैं। तो आपको याद करने का सिंपल तरीका बताता हूँ कि जो हड़ौती वाला क्षेत्र है, यहाँ पे कौन सी मिट्टी मिलती है, काली मिट्टी मिलती है, ये देखिए आप यहाँ पे लिखा होगा मध्यम काली मिट्टी मिलती है। ये जो उदयपुर वाला इलाका है, यहाँ पे लाल लोमी मृदा मिलती है, ठीक है। उसके अलावा प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, इस क्षेत्र में कौन सी मिट्टी मिलती है, लाल काली मिक्स मिलती है। अरावली वाले क्षेत्र में पर्वतीय मिट्टी मिलती है, जिसको हम भूरी रेतीली मिट्टी भी कहेंगे। उसके अलावा ये जो सिरोही वाला क्षेत्र है, यहाँ पे लाल पीली मिट्टी मिलती है, ठीक है। इसके बाद में हम आगे चलते हैं। जैसे कि मिट्टी को दो आधारों पर वर्गीकृत किया गया है, एक तो पहला रंग के आधार पे और दूसरा मिट्टी की प्रकृति के आधार पे है। तो ये आप पढ़ सकते हैं, कौन सी मिट्टी में क्षारता की ज़्यादा कमी होती है, क्षारता अधिक होती है, खारी ज़्यादा होती है, वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। तो इसके बाद में है मिट्टी जो है वो जनक शैलों से मिट्टी को प्रभावित करने के कारक, या मिट्टी के निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, जैविक क्रियाएं होगी, ऊंचा व चूहे, जनक शैलें, जलवायु और समय, ये सारा प्रभावित करता है। कृषि क्या होती है, कृषि का मतलब ये होता है फसलों को उगाना, फसलों को उगाने की जो कला होती है उसको हम कृषि कहते हैं, नॉर्मली भाषा में यही होती है कृषि, ठीक है। फसलों का जो उत्पादन किया जाता है उसको हम कृषि कहते हैं। फिर कृषक क्या करते हैं, उन फसलों को काटता है, काटने के बाद उसको बेचता है, और बेचने के बाद उससे उनकी आमदनी होती है। और कृषि के प्रकारों में दो इन्होंने मुख्य प्रकार विभाजित किए हैं, एक है जीवन निर्वाह कृषि, जो कि अपने जीवन का निर्वाह करने के लिए कृषि की जाती है, जिसके अंदर स्थानांतरित कृषि और चलवासी पशुचारण आता है। स्थानांतरित कृषि का मतलब क्या है कि किसी भी एक भूभाग पर पहले यह कृषि करते हैं, कृषि करने के बाद क्या होता है, ये दूसरे भूभाग के ऊपर चले जाते हैं, उस भूमि को छोड़ देते हैं और दूसरे भूमि की तरफ चले जाते हैं। ये साथ के साथ ही क्या है, चलवासी पशुचारण भी करते हैं। इनके पास कुछ पशु भी होते हैं जो कि जिनसे कि इनको क्या है, दूध, और इसके अलावा जैसे चमड़ा हुआ, उसके अलावा अगर इनको मतलब कई तरह की चीज़ें प्रोवाइड हो जाती हैं इन जानवरों से। उसके बाद स्थानांतरित कृषि को दक्षिणी राजस्थान में वालरा कहते हैं, उत्तरी पूर्वी भारत में झूम कहा जाता है। ये चीज़ मैंने आपको बता दी, ये आप पढ़ सकते हैं। इसमें टाइम पीरियड भी बताया कि कितने वर्ष तक खेती की जाती है, उसके बाद में उसको खाली छोड़ दिया जाता है, बाद में उसकी उर्वरता कम हो जाती है तो उसको खाली छोड़कर किसी और जगह पे चले जाते हैं। गहन निर्वाह कृषि क्या होती है, एक ही खेत के अंदर दो या तीन फसलें लगा देते हैं, उसको गहन कृषि कहते हैं। चलवासी पशुचारण का मतलब यह है कि पशु अपने साथ साथ लेकर जो व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं, खेती करने के साथ साथ वो पशुओं को भी अपने साथ रखते हैं, चारे तथा जल के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं, उसको चलवासी पशुचारण कृषि कहते हैं। वाणिज्यिक कृषि का होती है, ये वाणिज्य कृषि ये होती है कि ये इनका मुख्य उद्देश्य होता है फसल और पशु उत्पादों को बाजार में बेचना होता है। उसमें विस्तृत कृषि क्षेत्र तथा बड़े बड़े खेतों में कृषि की जाती है, बीज, खाद व अधिक पूंजी का प्रयोग किया जाता है। तो वाणिज्य कृषि का मतलब ये हो गया कि जहाँ पे बड़े क्षेत्रों में कृषि की जाती है उसको हम वाणिज्य कृषि कहेंगे। उसके बाद में आता है ये वाणिज्य कृषि के भी प्रकार बांटे गए हैं, जैसे वाणिज्यिक फसल उत्पादन, मिश्रित कृषि और बगाती कृषि। वाणिज्यिक फसल में कौन कौन सी फसलें आती हैं जिसमें उद्योग धंधे पर निर्भर होती है, जैसे कपास, गन्ना, तिलहन, तंबाकू, गेहूं, मक्का, चावल, दालें, ये खाद्यान्न फसलें, मतलब कि जिनसे हमें व्यापार में ज़्यादा हमें मुनाफा होता है, वो वाली सारी चीज़ें आती हैं। मिश्रित कृषि कौन सी होती है जिसके बीच में अनाज और चारे की फसलें के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है। बगाती कृषि कौन सी होती है जिसमें अधिक पूंजी और श्रम की आवश्यकता होती है, जिसके बीच में चाय, कॉफी और रबड़ आते हैं। उसके बाद में कुछ रेशेदार जो फसलें होती हैं, जिसके बीच में कपास और जूट आते हैं, कहवा और चाय, ये पेय फसलें हैं। तिलहनी फसलें कौन सी होती है जिनसे तेल निकलता है, जैसे सरसों से तेल निकलता है, मूंगफली का तेल निकलता है, सोयाबीन का तेल निकलता है, ये सारी तिलहनी फसलें हो सकती हैं। उसके बाद में दलहनी फसलें हैं, जो दालें होती हैं वो सारी दलहनी फसलें आएंगी। कृषि की ऋतुएं तीन है, तीन ऋतुएं होती हैं, ठीक है, तो खरीफ, रबी और जायद होती है, ये इसकी कृषि की ऋतुएं हैं। इसके बीच में जैसे खरीफ जो फसल होती है वो वर्षा ऋतु में उगाई जाती है, हम कह सकते हैं शीत ऋतु में रबी उगाई जाती है, और जायद ग्रीष्म ऋतु में उगाई जाती है। तो यहाँ पर बताया गया है कि जलवायु के अनुसार बाजरा, मक्का, ज्वार,
चावल ये खरीफ की फसलें हैं तथा गेहूं जो चना ये रबी की फसलें हैं, फल और सब्जी ये जायद की फसलें आती हैं, और राजस्थान के खाद्यान्न फसलों में कौन कौन सा आता है, गेहूं ज्वार बाजरा मक्का और दालें आती हैं। इसके बाद में जैसे कि लिखा गया है कि आजकल क्या है, खाद्यान्न फसलों का क्षेत्रफल घट रहा है और तिलहन जो फसलें होती हैं उनका क्षेत्रफल बढ़ रहा है। तिलहन का मतलब क्या है, जो जिन फसलों से तेल निकलता है, अभी अभी हमने पढ़ा है, जैसे सरसों मूंगफली सोयाबीन, ठीक है, तो इनकी पैदावार ज़्यादा की जा रही है, इनका क्षेत्रफल बढ़ रहा है और खाद्यान्न वाली फसलों का घट रहा है। उसके बाद में लिखा है राजस्थान की प्रमुख फसलें कौन कौन सी है, तो इसके बीच में गेहूं आती है, तो गेहूं कहाँ पे मिलती है ये आप देख सकते हैं थोड़ा बहुत, वैसे तो सारी जगह भी उगा सकते हैं, बाकी ये थोड़ा बहुत आप देख लें। उसके बाद में लिखा है चीन के बाद विश्व में गेहूं उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। बाजरा बताया गया पश्चिमी राजस्थान की शुष्क जलवायु है, रेतीली मिट्टी बाजरे, बाजरा जो है ये मरुस्थलीय इलाके में सबसे ज्यादा होता है, भारत का सर्वाधिक बाजरा राजस्थान में होता है। चावल जो है चावल ये बिहार वाली साइड में होता है ज्यादा, ठीक है, पर अपने राजस्थान के अंदर कहाँ पे है, हनुमानगढ़ गंगानगर बांसवाड़ा डूंगरपुर कोटा झालावाड़ इन क्षेत्रों में मिलता है। उसके बाद में आता है मक्का, तो मक्का जो है ये राजस्थान और विशेषकर मेवाड़ का मुख्य भोजन है, सर्दी ऋतु में बड़े चाव से खाया जाता है, मक्के की रोटी सरसों का साग वो चीजें। उसके बाद में इसके कुछ उत्पादक जिले हैं वो भी आप देख सकते हैं। उसके बाद में आता है चना, तो चने के दाल बनती है, ठीक है, ये दलहन होती है, मूंग मोठ उड़द ये सारी दलहन फसलें आती हैं, ये भी कई जगह पे उगाई जाती हैं, जिसके आप देख सकते हैं। कोई ज़्यादा खास नहीं है, नॉर्मल से क्वेश्चन है, आपको बस छोटे क्वेश्चन ही आने चाहिए। उसके बाद में कृषि का विकास किस तरह से किया जा रहा है, सिंचाई की सुविधाओं का विकास किया जा रहा है, कीटनाशक दवाइयों का विकास किया जा रहा है, कृषि का मशीनरीकरण किया जा रहा है, ठीक है, तो कृषि को बेहतर बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ही विकास कार्य किए जा रहे हैं जो कि सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं। बट आज के टाइम में क्या है, कृषि के लिए कई ऐसे कानून बना दिए गए हैं जिससे कि कृषि के जो लोग हैं उनको सही मात्रा में उनको आय नहीं मिल पाएगी, मतलब कि अगर वो अपनी फसलों को बेचेंगे तो उन्हें सही जो पैसे मिलने चाहिए वो नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि बाहर से जो कंपनियां आएंगी वो उनको कम रेट में खरीदेंगी, ठीक है, इसीलिए वो आज हम कह सकते हैं शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं। उसके बाद में जैसे लिखा गया आधुनिक कृषि फार्म सूरतगढ़, तो कृषि फार्म कहाँ पे है, सूरतगढ़ के अंदर है, ये क्वेश्चन बन जाएगा। कृषि फार्म में क्या नए नए प्रयोग किए जाते हैं, उन्नत पशु नस्ल विकसित करने का कार्य किया जा रहा है, इसके अलावा भी जो सिंचाई की सुविधा दी जा रही है इंदिरा गांधी नहर द्वारा, और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं, आज हमने 2 या 3 लेसन पढ़ने हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है, ये सारे के सारे सिंपल क्वेश्चन से आप जाकर हमारे हमारी जो प्लेलिस्ट बनी हुई है वहां से देख सकते हैं। उसके बाद में आता है हमारा 5वां लेसन जिसका नाम है खनिज और ऊर्जा संसाधन। इसके बीच में क्या है, खनिज का अर्थ क्या होता है, ऐसे पदार्थ जो हम धरती को खोजकर या धरातल को खोदकर निकालते हैं उसको हम क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं, और इन खनिजों का हम अपने दैनिक जीवन में यूज करते हैं, दैनिक जीवन में आने वाले जो बर्तन काम में आते हैं उसमें भी खनिज ही होता है। उसके बाद में खनिजों का प्रकार बताया गया है, 2 तरह के खनिज होते हैं, धात्विक अधात्विक, धात्विक में धातु ज्यादा होती है, अधात्विक में धातु के अवशेष नहीं होते हैं, धातु जो होती है वो कठोर होती है जिसके बीच में लोहा है, जैसे मैग्नीज, सीसा, जस्ता, तांबा, सोना, चांदी होते हैं, और जो ये खनिज होते हैं ये हमें अयस्कों के रूप में मिलते हैं। अयस्क का मतलब क्या होता है, अयस्क का मतलब क्या होता है, थोड़ा बहुत कचरा कहते हैं हम, ठीक है, ऐसा का मतलब ऐसे होता है थोड़ा बहुत हमें बारीक पदार्थ मिलता है, इन अवयवों में से रासायनिक क्रियाओं के माध्यम से हमें इन धातुओं को अलग किया जाता है, फिर खनिज तथा अन्य अवयवों के इस मिश्रण को क्या कहते हैं, ऐसा कहते हैं। अभी आपके सामने डायग्राम शो हो रहा है, खनिजों के प्रकार बताए गए हैं, धात्विक अधात्विक ऊर्जा, इसके बीच में ये आगे बांटा गया है, इसको आपको याद होना चाहिए क्योंकि ये पेपर में कई बार पूछ लिए जाते हैं, इनमें से अधात्विक कौन सा खनिज है, धात्विक खनिज कौन सा है, ऊर्जा खनिज कौन सा है। तो नॉर्मली भाषा में यही है कि आपको ऊर्जा खनिज पता लग गया जिनसे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, जैसे प्राकृतिक गैस, कोयला, पेट्रोलियम, थोरियम, यूरेनियम, ये सारों से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। अधात्विक वे पत्थर हैं जिसमें से धातु का यूज नहीं होता, पहले आप एलोहा पढ़ें, एलोहा के अंदर सोना, चांदी, सीसा, जस्ता, तांबा, इनके आपको बर्तन देखने को मिलेंगे, सोने के बिस्किट बनते हैं, चांदी के बर्तन आपको देखने को मिल जाएंगे, शीशे के भी बर्तन आपको देखने को मिल जाएंगे, जस्ता जो है वो विद्युत उपकरणों के अंदर भी शायद यूज किया जाता है, चेक कर सकते हैं आप, तांबे का यूज भी किया जाता है, तांबे की
हम कह सकते हैं तारे भी होती हैं, ठीक है, इस तरह से आप याद करने की कोशिश करें। उसके बाद में कुछ ऐसे खनिज होते हैं जो हमें ऊर्जा के, ये तो हो ही गया, ये आपको बताइए। ऊपर तीनों खनन की विधियां कौन कौन सी है? खनन की दो विधियां होती हैं, एक तो ऊपर से निकाल लिया जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, खनन कह देते हैं। खनन में एक होता है विवृत खनन, एक होता है कुप्त खनन। विवृत खनन कौन सा होता है? जो कि सामान्य प्रकार की जो प्रक्रिया होती है ऊपर से निकाल ली जाती है उसको हम क्या कहते हैं, विवृत खनन कहते हैं। ये देखें, ऊपरी परत को हटाया जाता है और फिर उसको खनन किया जाता है, तो इसको हम खनन कहते हैं, विवृत खनन। कुप्की खनन में क्या होता है, खोद कर निकाला जाता है, बहुत ज्यादा ही गहराई के अंदर होता है, इसको हम कुप्की खनन कहते हैं। आखनन क्या होता है, ये देख लीजिए, आखनन बता देता हूँ आपको। यहाँ पे आखनन ये बना हुआ है जैसे आप देख सकते हैं, ये वाला ये जो पोर्शन है ये आखनन कहलाता है। इसके बीच में आप देख सकते हैं इतने बड़े क्षेत्र पर क्या किया जाता है, ड्रिलिंग तथा प्रवेदन की प्रक्रिया की जाती है। कुछ खनिज जैसे मिट्टी आदि इस तरह से ही प्राप्त हो जाते हैं, इस विधि को आखनन कहते हैं। उसके बाद में बताया गया कुप्की खनन क्या होता है, ये मैंने आपको बताया ही है कि बहुत ज्यादा ही गहराई के अंदर होता है, ठीक है। उसके बाद में आगे चलते हैं, जैसे कि बताया गया खनिज संसाधन, तो खनिज हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति भी करते हैं, इसीलिए खनिज को संसाधन भी कहा जाता है। ये धरातल के अंदर पाए जाते हैं, धरातल को खोद कर निकल जाते हैं, कुछ धरातल की सतह पर भी मिलते हैं। राजस्थान के प्रमुख खनिज कौन कौन से हैं? तो राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे भी बहुत ज्यादा ही खनिज मिलते हैं। झारखंड के बाद ये दूसरे नंबर पे राजस्थान आता है। वोलेस्टोनाइट और जो जास्पर है, इसमें खनिजों का उत्पादन करने में भारत में केवल राजस्थान से होता है, मतलब 100% अधिकार किस पे है? वोलेस्टोनाइट और जास्पर के ऊपर राजस्थान का अधिकार है। अब ये सूची बनी हुई है, ये सूची आप देख सकते हैं, ठीक है। ये सारी की सारी सूची आपको देखनी है कंप्लीट, और अगर आपको कोई भी डाउट लगे तो आप पूछ सकते हैं। जिस जिस पे एकाधिकार होता है ना, वो जरूरी आपको पढ़नी है क्योंकि पेपर में कई बार वो पूछ ली जाती है। अब यहाँ पे आपके सामने नाम दिए गए हैं, कौन कौन से नाम हैं और कौन कौन सी ये चीजें हैं, ठीक है। ये सारे के सारे खनिज दिए हुए हैं यहाँ पे आपके सामने, जिले दिए हुए हैं, कौन कौन से जिले हैं, तो यह एक बार आप थोड़ा बहुत देख लें, ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि खास नहीं है इतने, ठीक है। उसके बाद में आगे चलते हैं, ये आपको मैं समझा देता हूँ। इसके बीच में जैसे कि नव्यकरणीय क्या होता है, नव्यकरणीय का मतलब ये है कि जिनको हम नया कर सकते हैं, मतलब कि वापस से इसको बार बार बना सकते हैं। जिसके बीच में क्या आता है, जल विद्युत आती है, जल विद्युत हुई, सौर ऊर्जा हुई, पवन ऊर्जा हुई, ये सारे को वापस हम बना सकते हैं। उसके बाद में कौन से आते हैं, उसके बाद में आते हैं अनव्यकरणीय। अनव्यकरणीय वो होते हैं जिसको हम वापस बना नहीं सकते। जिसके बीच में कौन कौन से आते हैं, कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस। कोयले को हम वापस से पुनर्निर्माण नहीं किया जा सकता, इसीलिए कोयला अनवीकरणीय संसाधन है। परंपरागत कौन से होते हैं, परंपरागत के अंदर वे खनिज आते हैं जो कि परंपरा रूप से चल रहे हैं, प्राचीन टाइम से चल रहे हैं, जिसके बीच में कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, ये चीजें आती हैं। और गैर परंपरागत कौन से हो गए, जो कि हम कह सकते हैं अभी अभी हाल ही में इसी वर्तमान टाइम में, या हम कह सकते हैं 20वीं शताब्दी के अंदर कार्यरत किए गए हैं, जैसे बायोगैस ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, इन सारों का यूज किया जा रहा है। अब आता है कोयला, तो कोयले के बारे में आपको पता ही है कि कोयला जो है वो हमारे राजस्थान से निकलता है, बीकानेर के बरसिंगसर से, पलाना से, बाड़मेर के जालीपा कपोड़ी गिरियल से निकलता है। उसके बाद में आता है पेट्रोलियम, तो पेट्रोलियम भी बहुत नीचे मिलता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा गहराई में जाने भी मिलता है, लालटेन या स्टोव में जलता कैरोसिन भी पेट्रोलियम का ही एक उप उत्पाद है, ठीक है। यह एक महत्वपूर्ण खनिज है जिसके भंडार कम स्थानों पर ही होते हैं। जहाँ पे आपको ये पेट्रोलियम मिलेगा वहीं पे आपको क्या कैरोसिन भी मिलेगा और वहीं पे आपको गैस भी मिलेगी, ठीक है। सबसे पहले नीचे नीचे होती है गैस, उससे ऊपर होता है पेट्रोलियम, उससे ऊपर क्या होता है, कैरोसिन होता है। जल विद्युत क्या होता है, जल के माध्यम से जो नदियां होती हैं इसके आसपास क्या है, परियोजनाएं बनाई जाती है जहां से जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। जैसे कि चंबल घाटी परियोजना हुई, दामोदर घाटी परियोजना हुई, नांगल परियोजना हुई, तो ये सारी की सारी परियोजनाएं क्यों बनाई जाती हैं, ताकि विद्युत का उत्पादन किया जा सके। सौर ऊर्जा के बारे में आपको पता ही है, नॉर्मल सी बात है। पवन ऊर्जा में आप ये देख सकते हैं जैसे कि पवन चक्कियां लगाई जाती है, इससे क्या है, जितनी तेजी से ये जो हवा चलती है, तो हवा चलेगी तो क्या है, इसके नीचे एक आपको एक हम कह सकते हैं बैटरी नुमा एक घर सा दिखाई देता है, जिसके बीच में बैटरी में वायु जो आपकी ऊर्जा होती है वो स्टोर हो जाती है और बाद में उसको विद्युत के रूप में काम में ले लेते हैं। अब आती है परमाणु ऊर्जा, तो परमाणु ऊर्जा में थोरियम, यूरेनियम, इसका यूज ज्यादातर बम बनाने में किया जाता है, अपने काम की बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद में ये आपके क्वेश्चन आंसर्स आते हैं, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज लाइक करें चैनल को, सब्सक्राइब करें वीडियो को, ठीक है। तो सारे के सारे एक बार
चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं ताकि आपको जो भी मैटर मिल रहा है आप आगे भी इन बच्चों को सभी को ये वीडियो प्रोवाइड करा सकें। इसके साथ साथ और अगर आपका कोई कमेंट हो, कोई क्वेश्चन ना समझ में आए तो प्लीज़ ज़रूर बताएं। थैंक यू।